पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो कल उत्तर प्रदेश में TET का पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ हम लोगों ने आज माननीय जिलाधिकारी को राज्यपाल के वास्ते ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें ये हैं कि 15 दिन के अंदर TET का एग्ज़ाम पुनः कराया जाए, वह जिसने भी ये काम किया है पेपर लीक करने का उसको जेल भेजने का काम किया जाए, सरकार अपनी गलती मांगे, शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा सौंपें, वह बच्चों को आने जाने में जो भी उनकी शुल्क लगेगा वो फ्री किया जाए, वह बच्चों को खाते में 5,000 रुपये भेजने का काम ये सरकार करे। क्या लगता है किसकी लापरवाही? देखिए ये सरकार की लापरवाही है, मैं तो सीधा कहता हूँ ये सरकार की लापरवाही है। एक पेपर हो तो मैं मान लूँ कि नहीं इसमें किसी के बीच में हाथ रहा है, लगातार इनके सारे पेपर लीक हो रहे हैं, बल्कि ये कहिए कि सरकार ही लीक हो चुकी है। 2022 के चुनाव में बहुत जल्दी इनको यही छात्र नौजवान बेरोजगार इनको लीक करके इनको पुनः गोरखपुर मठ भेजने का काम करेंगे। ठीक।